अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله واخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم। हर किस्म की हमदो सना अजमतों की बिरयाई अल्लाह वहदहु ला शरीक खालिक कायनात मालिक अर्ज़ो समा के लिए लायक और सजावार है, जो इस कायनात और कायनात कुल का मुरब्बी व पालनहार है। बादहु ला कहाँ करोड़ा दरुद व सलाम हो अल्लाह के तमाम नबी व रसूल पर, खुसूसियत के साथ अल्लाह के आखिरी नबी मदनी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हजरात, आज के इस मौके मुबारक में मेरा मौजू सुखन है ग़ज़वे बद्र। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि बार इलाहा ग़ज़वे बद्र के हवाले से मिलने वाले दुरूस और नसीहतों को हम तमाम मुसलमानों को अपनी ज़िंदगी में जगह देने की तौफीक अनायत फरमाए। हज़रात, आप जानते हैं कि नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदनी ज़िंदगी के अक्सर व बेशतर हिस्से जंगों में गुज़रे हैं। मदनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा जंग का हिस्सा रहा है और आपके इन्हीं जंगों को लेकर के दुनिया तरह तरह के प्रोपगंडे, तरह तरह के इल्ज़ाम, तरह तरह के लान तान, तरह तरह के जो है जराइम उनके सर पर थोपने की कोशिशें कर रही है। यहाँ तक कि नऊज़ बिल्ला नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा जा रहा है कि आप टेररिस्ट थे, नऊज़ बिल्ला सुम्मा नऊज़ बिल्ला, आप दहशतगर्द थे, दुनिया वालों को दहशतगर्दी की तालीम देते थे, नऊज़ बिल्ला। आप जानते हैं कि दुनिया की कौन सी कौम ऐसी है जो जंगों से वाबस्ता नहीं है? दुनिया की हर जिंदा कौम के पास जंग और जिहाद का तसव्वुर मौजूद है। दुनिया का हर मुल्क अपने पास फौजी दस्ते रखता, अपने पास लड़ाकू जंगजू रखते और दुनिया का यह मुसलमा कानून है कि हर कौम को अपनी दिफा का पूरा पूरा हक हासिल है। मैं मानता हूं हमारे नबी ने जंग किया है, जिहाद की है, लेकिन जंगों में नबी ने आला अखलाक, आला किरदार और इंसानियत नवाजी का जो सबूत पेश किया है, अल्लाह की कसम पूरी तारीख इंसानी से चैलेंज है कि दुनिया की किसी जंग में ऐसे आला अखलाक, ऐसे पाकीज़ा किरदार और इंसानियत नवाजी के ऐसे सबूत नहीं पेश कर सकते। दुनिया आजिज़ है, कासिर है ऐसे अखलाक दिखाने से।
इस्लाम और कुफ्र का सबसे पहला मार्का गज़वे बद्र है। लेकिन गज़वे बद्र किन हालात में, किस पशे मंजर में पेश आया, दुनिया को उन असबाब से वाकफियत होनी चाहिए, उस पशे मंजर की जानकारी होनी चाहिए कि गज़वे बद्र क्यों हुई, मुसलमान जंग के लिए क्यों मजबूर हुए। हालांकि मक्की जिंदगी में कटते रहे, पिटते रहे, लेकिन मुसलमानों ने कभी हाथ नहीं उठाया, कभी मुसलमानों ने जो है जवाब नहीं दिया। मदीना आने के बाद मुसलमानों ने जुरात क्यों की, किस पशे मंजर में गज़वे बद्र पेश आया। मुसलमानों की मक्की जिंदगी को जब तबाह बर्बाद कर दिया, मुसलमान मक्की जिंदगी से बहुत ज्यादा आजीज आ गए, तो बहुक्म इलाही चैन और सुकून की सांस लेने के लिए मक्का छोड़कर के मदीना आ बसे। यहां आने के बाद नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम मदनी हालात को मुरतब कर रहे थे, जिंदगी के मुख्तलिफ गोशों और नाहियों की तंजीम और तंसीक कर रहे थे, और ये सोच रहे थे कि अब मुसलमानों को दीन पर अमल करने के लिए आज़ादी हासिल होगी, दावत व तबलीग के लिए एक बेहतरीन माहौल, एक पुरअमन माहौल मैसर होगा। अब यहां किसी भी झड़प की जरूरत नहीं, किसी टकराव की जरूरत नहीं है, यहां बगैर किसी कश्मकश के, बगैर किसी टकराव के, बगैर किसी लड़ाई और झगड़े के आजादी के साथ हमें दीन पर अमल करने दिया जाएगा। अभी मुकम्मल आपके कदम मदीनतुल मनवरा में जमे नहीं थे कि उन्हीं दिनों मक्का वालों की तूफान बदतमीजियां, उनकी साजिशें, उनके प्रोपेगंडे और उनके नाकाम क्या नाम है, उनके घटिया प्लान जो है सामने आ गए। उन्होंने यहूदे यसरिब और मुशरिकीन यसरिब से, मदीने के अंदर रहने बहने बसने वाले मुशरिकों और यहूदियों से खतो किताबत शुरू कर दिया, धमकियां देने शुरू कर दी, कहा देखो तुमने अपने शहर में मक्के के बेदीनों को पनाह दिया है, याद रखना अगर बेदीनों को मक्के मदीने से तुमने भगाया नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा, मदीने पर हम हमला करके पूरे मदीने वालों को तबाह बर्बाद कर देंगे। मुशरिकीन मदीना, यहूदे मदीना इस बात के लिए आमादा हो गए कि मुसलमानों को मदीना से निकाल दिया जाए। आप अंदाजा लगाओ कि मुसलमानों का कसूर यह था कि एक अल्लाह की इबादत करते थे, एक अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाते थे, लोगों को लोगों की जो गुलामी से आजादी की दावत देते थे, लोगों को यह बताते थे कि यह माबूदान बातला जो है तुम्हारे किस काम के नहीं है, अल्लाह वाहिद की जात एक ऐसी जात है जो मुख्तियार कुल है, जो रोजी रसा है, जो बीमारों को शफा देने वाली है, जो हाजत रवा है, मुश्किल कुशा है, तमाम जरूरतों को पूरी करने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है, बाकी ये जितने माबूदाने बातला हैं किसी काम के नहीं। ये उनका जुर्म था, ये उनका कसूर था कि मुसलमानों लोगों को, इंसानियत को गुलामी से आजाद कराना चाह रहे थे, इंसानों को इंसानों की गुलामी से आजाद कर रहे थे, ये उनका कसूर था, बाकी कुछ भी नहीं। इसके बदले में जालिम ने मक्की की जिंदगी तबाह बर्बाद कर दी, मक्के के उनके सारे सरमाए, सारी जायदाद, सारी दौलत जब्त कर लिया, चैन और सुकून की सांस लेने के लिए मक्का छोड़ते मदीना जाते, वहां भी चैन से बैठने न दिया, कहा यह न समझना मदीना जाने के बाद तुम हमारी गिरफ्त से और हमारी पकड़ से तुम बच गए हो, बचोगे नहीं, वहां आकर तुम्हें हम कूटेंगे, मदीने में आकर के तुम्हें हम सजा देंगे। कबीले उसके सरदार रईसुल अंसार साद बिन मुआज रजी अल्लाह तआला ने बगर से उमरा मक्का आए, अबू सफवान के साथ मिलकर के खाने काबा की जियारत कर रहे, तवाफ कर रहे, अबू जहल की नजर पड़ी, अबू जहल कहने लगा साद तुमने मदीने के अंदर बेदीनों को पनाह दिया और बड़े पुरमन तरीके से तुम खाने काबा की जियारत कर रहे हो, खैर बनाओ सफवान के साथ हो, अल्लाह की कसम अगर सफवान तुम्हारे साथ ना होता तो सलामती के साथ तुम मदीना वापस नहीं जा पाते।
अबू जहल के इस डांट में, अबू जहल के इस तंज में एक तो इस बात की धमकी थी कि मुसलमानों को मस्जिद हराम से महरूम किया जा रहा है, मुसलमानों को खाने काबा की जियारत की परमिशन नहीं है, और दूसरा यह ऐलान था कि अगर मदीना के मुसलमान कुरैश के हुदूद में नजर आए तो उनको जुबा कर दिया जाएगा, जिंदा बचकर जाने नहीं दिया जाएगा। मदीना जाने के बावजूद भी मुसलमान अंदरूनी बैरूनी दोनों तरफ से, दोनों एतबार से मदीने के अंदर भी और मदीने के बाहर भी खतरात से महफूज नहीं थे। हालात इतने पुरखतर थे कि मुसलमान इस बात के लिए मजबूर थे कि हमा वक्त असलहों के साथ रहते थे। जिस तरह से आज हिंदुस्तान की फिजा में शरण भर दिया गया, हिंदुस्तान की फिजा को बदबूदार बना दिया गया, धर्म के नाम पर ये धर्म के ठेकेदारों ने इंसानियत को जुबा करना शुरू कर दिया, और हाकिम वक्त ये हुकूमतें खामोश तमाशाई बने हुए, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग खामोश तमाशाई बने हुए, ऐसे जालिमों के जो है सपोर्टर बने हुए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको सही समझ अता फरमाए, इन्हें कुरान और सुन्नत और इस्लाम की हिदायत अता फरमाए। मदीने के अंदर भी मुसलमान जो है शर से महफूज न रहे, हथियार लेकर के बेचारे जिंदगी गुजारने लगे, यहां तक कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के लिए खतरात बहुत बढ़ गए। आपके पास सहाबा किराम जो पहरा देने लगे, पहरा दे रहे थे, अर्शे नदाए वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास, मेरे पैगंबर किसी की मदद की जरूरत नहीं है, तेरा रब तेरी हिफाजत के लिए काफी है। अल्लाह के नबी ने अपने साथियों को सहाबा को बुलाया, कहा काम करो, अल्लाह ने मेरी हिफाजत की जिम्मेदारी ले ली है, चले जाओ। मुसलमान सब्र करते रहे, जवाब ना दे रहे थे, किसी का दिफा ना कर रहे थे। 13 सालों से मुसलमान मजलूमियत की जिंदगी गुजारते चले आ रहे थे, गालियां सुनते चले आ रहे थे, धक्के खाते चले आ रहे थे, पिटते चले आ रहे थे, अपने शेर को छोड़ा, जायदाद को छोड़ा, किसी को फना कहा, किसी को जवाब न दिया, किसी पर हमला न किया, किसी से बदला न लिया, सीधा मक्का को छोड़ा, मदीने में पुरमन जिंदगी गुजारने के लिए आकर के बसने लगे। वहां भी जालिमों ने चैनो सुकून से रहने न दिया, धमकियां देने शुरू कर दी, मदीना के यहूद को भड़का दिया कि मुसलमानों को मार के मदीना से भगा दो। आज दुनिया कहती मोहम्मदुर रसूलुल्लाह टेररिस्ट थे, नऊज बिल्ला, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत बड़ा इल्जाम है, ये नाकाबिले बर्दाश्त इल्जाम है, लेकिन हम मजबूर हैं कि हमारे पास इख्तियार भी नहीं, इख्तदार भी नहीं। अल्लाह नफूस कुदसिया की हिफाजत फरमा, जिन पर ऐसे बदबूदार और घिनौने और गलत इल्जाम लगाए जा रहे। इतनी तकलीफ और टॉर्चर के बावजूद भी मुसलमान खामोश हैं। जब पानी सर से ऊपर हो गया, अर्श से निदात यौदिन लिल्लजीन युकातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू, मेरे पैगंबर के मजलूम साथियों, तुम्हें तुम्हारा रब लड़ने की इजाजत दे रहा, बदला ले सकते हो इनको, इनकी गलतियों की जो है सजा दे सकते हो, रब तुम्हें इजाजत दे रहा है, और तुम्हारा रब तो तुम्हारी मदद के लिए काफी है, किसी की मदद की जरूरत नहीं। ये माफ तेरे मनात से मदद और लात उज़्ज़ा से मदद का मुतालबा करते रहे, आपका रब आपकी हिफाजत और मदद के लिए काफी है, अब बदला ले लो। अर्श से जब इजाजत मिली, अल्लाह वाहिद ने जब मुसलमानों को परमिशन दे दिया, अल्लाह के नबी ने मुख्तलिफ पहलुओं पर काम शुरू कर दिया, मुख्तलिफ महाज पर मुतहर्रिक हुए। आपका सबसे पहला मिशन था एक खुफिया एजेंसी, खुफिया जो है कमेटी तैयार की, और उसका मकसद ये था कि दुश्मनों के नकल व हरकत पर नजर रखी जाए, कहीं ऐसा ना हो कि अचानक मुसलमानों पर हमला कर दें, मदीना के मुसलमानों पर हमला करके मदीना की ईंट से ईंट बजा दें। एक कमेटी तश्कील दी जिसका मकसद दुश्मनों के नकल व हरकत पर नजर रखना, ताकि उनके अचानक हमले से बचा जा सके। एक और आपने कमेटी तश्कील दी जिसका मकसद यह था कि कुरैश के जितने भी तजारती रास्ते हैं,
काफिले कुरैश के जितने भी तजारती रास्ते हैं उन रास्तों पर बैठा जाए और हर आने वाले कुरैशी काफिले से तारुस किया जाए, छेड़छाड़ किया जाए, ताकि उनको अपनी जान और अपना माल खतरे में नजर आए। अब ऐसी सूरत में जब उनको एहसास हो जाएगा कि मेरे जान और माल सब खतरे में हैं, तो ऐसी सूरत में वो या तो अपनी हिमाकत से बाज आ जाएंगे और मुसलमानों को आजादाना जिंदगी गुजारने की परमिशन दे देंगे, दावत और तबलीग की मुसलमानों को इजाजत मिल जाएगी, और या तो फिर वो जंग करेंगे, और अगर जंग करते हैं तो वो अपना तजारती रास्ता गंवा देंगे, खो देंगे। और मुसलमानों का मेन मकसद था उनको एहसास दिलाना, रास्तों पे बैठ करके उनसे तारुस करना, तजारती काफिलों को छेड़ना, ये बताना मकसूद था कि मक्के के काफिलों तुमने हमने बहुत सताए हैं, लेकिन अब अगर आइंदा तुमने हम पर जुल्म ढाने की कोशिश की तो अंजाम अच्छा न होगा, ये एहसास दिलाना था, ये मैसेज देना था। बाकी जुल्म करना मकसद नहीं था। एक और महाज पर आपने काम किया कि मदीने में और मदीने के अतराफ में जो है दावत तबलीग का काम शुरू कर दिया जाए, खुल्लम खुल्ला, बगैर किसी रोक टोक के। इसी तरीके से आपका प्लान यह भी शुरू हुआ कि मदीने के अतराफ में जो कबाइल हैं उनसे दोस्ती की जाए, उनसे रिश्तों में मजबूती पैदा की जाए, और इस बात का आहद किया जाए कि हम सब आपस में लड़ेंगे नहीं बल्कि एक दूसरे की कोऑपरेट करेंगे, एक दूसरे की हिमायत करेंगे, मदद करेंगे। मुख्तलिफ महाज और मुख्तलिफ मिशन लेकर के अल्लाह के नबी जो है तैयार हो गए। अब आपकी जो खुफिया एजेंसी थी उसने आपको खबर दिया कि अल्लाह के नबी अबू सुफियान की मईयत में, अबू सुफियान की क़यादत में एक तजारती मक्की तजारती काफिला शाम जा रहा है। अल्लाह के नबी ने गालिबन 150-200 सहाबा को लेकर के एक जुलाशीरा नामी मकाम पर पहुंचे उसको छेड़ने के लिए। वहां पहुंचने के बाद पता चला कि काफिले सुफियान तो शाम पहुंच चुका है। अल्लाह के नबी वापस आ गए और दो लोगों को फिर से मुतय्यन किया कि जैसे शाम से अब निकलेगा फौरन इतला करना। जैसे काफिले सुफियान शाम से निकला, आपके इतलाआती एजेंसी ने आपको खबर किया कि अल्लाह के नबी काफिले सुफियान शाम से निकल चुका है। अल्लाह के नबी ने फौरन मदीने के अंदर ऐलान किया कि जितना जल्दी हो सके काफिले सुफियान को पकड़ने के लिए निकलो। आपके ऐलान पर गालबन 313 या 14 या 17 या 19 अल इख्तलाफ 300 से कुछ ज्यादा लोग आपकी क़ियादत में मदीने से निकले। मकसद कत्ल करना नहीं था, मकसद इंसानियत का गला घोटना नहीं था, मकसद मक्के वालों को एहसास दिलाना था कि मक्के वालों अगर तुम अब हमसे तारुस करोगे तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। जवाब देने की ताकत अब हम में आ गई है, इख्तियार भी है, इख्तदार भी है, मेरे रब ने मुझे इजाजत भी दे दी है, यह बताना मकसूद था। और मक्के वालों के इक्तिसादियात पर, माशियात पर जर्ब लगाना मकसूद था, कमजोर बनाना मकसूद था, क्योंकि अबू सुफियान के का जो काफिला था बहुत मजबूत था, सारे मक्के वालों का सरमाया उसमें लगा था। जंग करना मकसूद नहीं था। बहुत ही कसम पुरसी के आलम में गुर्बत, नादारी, मिस्कीनी और फक्र फाका के आलम में आपके सहाबा मदीने से निकले थे और आपका मकसद, आपका टारगेट मकाम बद्र था। क्योंकि बद्र का जो मकाम है ये तिराहा है, चारों तरफ से पहाड़ हैं, अंदर में कुएं, घर, दरख्त, बहुत चैन सुकून और राहत की जगह है। उधर से गुजरने वाले काफिले वहां रुका करते थे। एक रास्ता जुनूब की तरफ है जिसको उद्वतुल कुस्वा कहते हैं,
एक शुमाल की तरफ है जिसको उद्वतुद दुनिया कहते हैं और एक इस शुमाली और मशरिकी कोने पर है। तो ये शुमाली और मशरिकी कोने पर जो रास्ता है ये मदनी रास्ता है और ये शामी रास्ता है और ये मक्की रास्ता, मक्के वाले जो है इसी रास्ते से हो करके गुजरते थे, शाम तिजारत के लिए जाते थे और मदीने वाले भी यहीं से होकर के गुजरते थे और ये मदीने से करीब था बनिस्बत मक्के के। अल्लाह के नबी का प्लान मकाम बद्र था कि चलो वहां चलते हैं और उद्वतित दुनिया के करीब छिप करके रहेंगे और जैसे काफिले अबू सुफियान जो है बद्र में घुसेंगे, मकाम बद्र में चारों तरफ से उद्वतुद दुनिया उद्वतुल कुस्वा और ये शुमाली रास्ता, ये क्या नाम है, मशरिक और शुमाली रास्ता, तीनों रास्तों को बंद करके उनको घेर लेंगे, ये मकसूद था। इधर काफिले अबू सुफियान को खबर लग गई कि मुसलमान हमारा पीछा कर रहे हैं, फौरन अबू सुफियान बड़े होशियार थे, फौरन वो जो है मक्के के अंदर एक जासूस भेज करके फौरन मदद की गुहार लगाई कि हमारा काफिला खतरे में है, फौरन हमारी दिफा की जाए, मदद की जाए। जासूस भेज करके आप बदरी रास्ता कट करके पीछे की तरफ मुड़े और पीछे दूर जाकर के साहिली रास्ते से होकर के मक्के का रुख किया। जब मुसलमानों की पकड़ से काफी दूर अबू सुफियान निकल गए तब उन्होंने, उनको यकीन हो गया कि मुसलमान हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे, दोबारा उन्होंने मक्के में खबर भेजी, काफिले अबू जहल को, लश्कर अबू जहल को खबर भेजी कि हम लोग मुसलमानों के गिरफ्त से बहुत दूर जा चुके हैं, अब मुसलमान हमारा पीछा नहीं कर पाएंगे, लिहाजा आप लोग वापस हो जाओ। लेकिन अबू सुफियान के दिल और दिमाग में जो गुरूर का तकब्बुर का कीड़ा पनप रहा था और मौत उसको उसके बाद जो है मक्तल की तरफ बुला रही थी, इसलिए वो वापस होने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसके साथ में नाचने वालियां थी, गाने वालियां थी, कुछ लौडियां थी जो नाच करके थिरक करके उन जो है सिपाहियों के दिल को बहला रही थी। अब वो अपनी बेइज्जती महसूस करेगा, वापस जाएंगे तो दुनिया क्या कहेगी, औरतों के सामने तो शर्मिंदगी बहुत होगी, साथ में औरतें, कहा वापस नहीं जाएंगे, मुसलमानों का मलिया मेट करके ही वापस जाएंगे। वापस होने से इनकार कर दिया। इधर मुसलमान काफिले सुफियान को पकड़ने के लिए निकले थे, गौर करना ये दुनिया वाले मेरे नबी पर जो इल्जाम आयद करते हैं ताकि जवाब दे सको, दुनिया वालों को बता सको कि मजहब इस्लाम दहशतगर्दी की तालीम नहीं देता, मेरे नबी टेररिस्ट नहीं थे, टेररिज्म का बढ़ावा नहीं दिया है, दहशतगर्दी की तालीम नहीं दी है, दुनिया वालों को मैसेज पैगाम देना है, हिंदुस्तान के बदबूदार फिदा में भी ये पाकिजा और मुअत्तर खुशबूदार जो है हवा को भरना है ताकि यहां की जो है गंदगी और गलाजत में कुछ खुशबू आने लगे। निकले थे काफिले सुफियान को पकड़ने के लिए, आप सोच रहे हैं पकड़ने की क्या जरूरत थी, मक्के में बहुत लुटे थे यारो, ये सुहैब रूमी है, जब जाने लगे तो कुछ इरादा था कि मक्की दौलत को साथ में मदीना ले जाएंगे, मक्के वालों ने कहा कि सुहैब अगर तुम मदीना जाना चाहते हो जाओ, इजाजत है, लेकिन याद रखना ये दौलत मक्के के हैं, सरजमीन मक्के में तुमने बनाए हैं, कमाए हैं, संभाले हैं, संवारे हैं, मक्की दौलत को मदीने में ले जाने की इजाजत नहीं है, अगर दौलत ले जा रहे हैं तो तुमको जाने नहीं दिया जाएगा। हजरत सुहैब ने कहा ले जाओ, दौलत नहीं चाहिए, मुझे अल्लाह का दीन काफी है, अल्लाह उसके रसूल काफी है। अल्लाह अकबर, बहुत बड़ी कुर्बानी देकर के मदीना पहुंचे। अल्लाह के नबी ने पूछा, कहो सुहैब कैसे आना हुआ, कैसे आए हो, किन किन हालात से सामना करना पड़ा है, किन किन हालात से गुजरते हुए आए हो। हजरत सुहैब ने कहा, अल्लाह के नबी सब कुछ कुर्बान करके अकेला खाली बॉडी लेकर के आया हूं। अल्लाह के नबी ने कहा, रबिहा सुहैबु रबिहा सुहैब, सुहैब ने बड़ी अच्छी तिजारत की, कामयाब तिजारत की है, कामयाब हो गए, इतनी सब कुछ दौलत लुटाए थे, अगर थोड़ी मोड़ी दौलत बदले में मिल जा रही, छीन ले रहे, तो क्या जुर्म और जुल्म होगा। बिल्कुल बने, इस्लाम बदले की इजाजत देता है, इस्लाम बदले की इजाजत देता है, यह जुल्म नहीं है, यह इंसाफ है। जुल्म तो ये जालिम कर रहे हैं जो मजारों में घुस करके भगवा झंडे लगा रहे हैं और मजारात में आग लगा रहे हैं, मस्जिदों के मनारों पर जो है भगवा झंडे लगा रहे हैं और जय श्री राम का नारा, धर्म के ठेकेदार धर्म के नाम पर जो है इंसानियत का खून कर रहे हैं। हम मस्जिदों में आने से मना नहीं कर रहे, हम तुमको दावत सुखन दे रहे, मोहब्बत और प्यार की दावत दे रहे, आओ हमारे मस्जिद की चटाई पर बैठ करके इबादत करो, राम को पूजना चाहे तो राम की पूजा करो, अल्लाह की इबादत करना चाहे तो करो, हम मना नहीं करते,
चाहते, लेकिन गुंडागर्दी के खिलाफ हम है, हमारा मजहब गुंडागर्दी के खिलाफ है। तो अगर जेन में ऐसे सवाल आ रहे हैं कि मुसलमानों को उस तजारती काफिले को छेड़ने की जरूरत क्या थी, तो जरूरत थी मुसलमानों के बहुत लूटे थे, मुसलमान बहुत पीटे थे, मुसलमान नाइंसाफी के लिए कदम नहीं उठा रहे थे। अल्लाह के नबी मदीना के क्या नाम है गजवे बद्र के करीब उद्वतुल कुस्वा उद्वतुल दुनिया जो था उद्वतुल दुनिया के करीब पहुंच करके पड़ाव डाला। इधर का लश्कर अबू जहल भी उद्वतुल कुस्वा के करीब पड़ाव डाल दिया। इस तरफ मुसलमानों का काफिला है, शुमाल की तरफ दुश्मनों का काफिला है, कल जंग होने वाली है। मुसलमानों को खबर लगी, आपके खुफिया एजेंसी ने खबर दिया कि दुश्मन बहुत बड़ी तादाद में आया है। अल्लाह के नबी सहाबा से मशवरा ले रहे, जाती फैसला नहीं कर रहे, कह रहे मेरे साथियों मुझे मशवरा दो, दुश्मन बहुत बड़ी तैयारी से आया है, क्या किया जाए, हम जंग लड़ने के लिए नहीं आए हैं, हम तो तजारती काफिले को पकड़ने के लिए आए थे, लेकिन जंग की नौबत आ गई, वो भी एक ऐसे लश्कर से जो मुकाबले में 3 गुना ज्यादा हैं, उनसे मुकाबला है, क्या किया जाए। मुहाजिरीन उठे, अल्लाह के नबी की हिम्मत अफजाई की, अल्लाह के नबी आपके हुक्म की ताखीर है, आप हुक्म कीजिए, हम हिम्मत बात करके लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, पीछे नहीं हटेंगे। अल्लाह के नबी ने दूसरी मर्तबा कहा, दूसरी मर्तबा भी मुहाजिर ने यही जवाब दिया, अल्लाह के नबी आपके हुक्म का इंतजार है। अल्लाह के नबी ने तीसरी मर्तबा कहा, अंसारे मदीना ने समझा कि शायद अल्लाह के नबी अंसारे मदीना का जवाब सुनना चाहते हैं। रईसुल अंसार साद बिन मुआज खड़े हुए कहने लगे, अल्लाह के नबी आपको मेरे मशवरों की जरूरत नहीं, कौमे मूसा नहीं है कि अल्लाह के नबी हम ये कहेंगे इज़हब अंता व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाउना क़ाइदून, ऐ महबूबे किब्रिया हम कौमे मूसा नहीं कि ये कहेंगे कि मूसा जाओ तुम और तेरा रब लड़के आ जाओ, हम यही बैठ कर तमाशा देखते रहेंगे, तमाश भी नहीं तमाशा ही नहीं, अल्लाह के नबी अल्लाह के पैगम्बर आपके कंधे से कंधा मिला करके लड़ेंगे चलेंगे, आप हुक्म कीजिए, अगर आप हुक्म देते पहाड़ से कूदी मारने की तो कूदी मार देंगे, अगर समंदर में छलांग लगाने का हुक्म दे रहे तो समंदर में छलांग लगा देंगे, सवाल न करेंगे कि महबूब किब्रिया ऐसी मुश्किलात में क्यों डाल रहे हो। अल्लाह के नबी का चेहरा खुशी से दमक उठा, अल्लाह के नबी ने अपने साथियों को बशारत सुनाई, मेरे साथियों खुश हो जाओ, ये कल का दिन तुम्हारे लिए खुशी का दिन है, खुशी मनाने का दिन है, फतेह का दिन है, कामयाब भी कदी ने अल्लाह ने बशारत सुना दी, खुश हो जाओ। अल्लाह के नबी ने अपने खुफिया एजेंसी को लश्कर अबू जहल की तरफ भेजा कि अबू जहल के लश्कर के हालात दरियाफ्त करके आओ। हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ज़ुबैर बिन अल-अव्वाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इन तीनों को जिम्मेदारी दिया कि दुश्मन की कैफियत मालूम करके आओ। ये तीनों सहाबी गए, अबू जहल के लश्कर के 2 लोग मिले, पकड़ के ला लिए। अल्लाह के नबी नमाज पढ़ रहे थे, नमाज में मसरूफ थे, कहने लगे ये बताओ तुम अबू सुफियान के काफिले से हो या अबू जहल के लश्कर से हो, तुम दोनों का ताल्लुक किससे, लश्कर अबू जहल से या काफिले अबू सुफियान से। दोनों ने कहा भाई हम लश्कर अबू जहल के आदमी हैं। कहा नहीं सच बोलो, कहा सच बोले, कहा सच बोलो, कहा सच बोले, अबू जहल के लश्कर से हमारा ताल्लुक है, अबू सुफियान के काफिले से हमारा ताल्लुक नहीं है। और ये सहाबा ये चाह रहे थे कि ये दोनों ये बोल दे कि हम काफिले सुफियान से ताल्लुक रखते हैं, ताकि उस काफिले का कहीं करीब होना समझ में आएगा कि अबू सुफियान का काफिला कहीं करीब ही में, चलो दबोच लेंगे, और यही सुनना चाहते थे। जब वो दोनों कहने लगे कि ये भाई हम अबू जहल के लश्कर से हैं, तो नहीं मान रहे थे, मारने लगे हजरत अली रजी अल्लाह तआला, खूब कुटाई शुरू कर दिया, उनको अपनी जान खतरे में नजर आने लगी। दोनों ने बर्जस्ता कहा कि भाई अबू सुफियान के काफिले के आदमी हैं।
अल्लाह के नबी ने सलाम फेरा, कहा जब वो दोनों सच बोल रहे थे तो तुम लोग पीट रहे थे, और जब वो दोनों ने झूठ बोला तो मारना छोड़ दिए। अजीब मामला है। अल्लाह के नबी की खिदमत में लाया गया, कहने लगे ये बताओ कितने लोग आए हो? का तादाद का पता नहीं लेकिन बहुत हैं, बहुत ज्यादा हम लोग हैं। का फिर भी का कुछ पता नहीं, गिने नहीं जा सकते। का चाहिए बताओ, अल्लाह के नबी ने कहा ये बताओ कि रोजाना खाने के लिए कितने ऊंट जुबा करते हो? उन्होंने कहा किसी दिन 9 ऊंट, किसी दिन 10 ऊंट। अल्लाह के नबी ने कहा लश्करे अबू जहल की तादाद 900 से लेकर 1000 के दरमियान है, इससे ज्यादा नहीं है। 900 से लेकर के 1000 इसी बीच में है। कंफर्म कितनी वो नहीं, लेकिन 900 1000 के दरमियान है। बहरहाल उन दोनों को आजाद कर दिया गया। उसके बाद में देखो कल जंग होने वाली है, मकामे बद्र में मुसलमान पहुंच चुके हैं, दुश्मन भी पहुंच चुके हैं बद्र के मकाम में। एक तरफ दुश्मनों का लश्कर, दूसरी तरफ मुसलमानों का लश्कर। जंग से पहले वाली रात अल्लाह के नबी का अजीब गरीब मामला था। अल्लाह के नबी बेचैन है, परेशान है, पूरी रात अल्लाह की इबादत में गुजारते, अल्लाह से तजर्रो में, गिरियाजारी में, गिड़गिड़ाने में गुजार देते हैं, अल्लाह से फरियाद कर रहे हैं, बारे इलाहा अल्लाहुम्मा इंतहल इंतहलिक हादिल इसाबा, अल्लाहुम्मा इंतहलिक हादिल इसाबतु फलन तुबत फिल अर्द, बारे इलाहा ये मुट्ठी भर जमात अगर मारी गई, याद रखना कयामत तक इस धरती पर तेरी कोई इबादत करने वाला नहीं बचेगा, तेरा नाम लेने वाला नहीं बचेगा। अल्लाह के नबी गिड़गिड़ा रहे, रो रहे। अल्लाह के नबी की सीरत से हमें पैगाम मिलता है, मुसलमानों अपने सारे मामिलात, सारे मसाइल का हल अल्लाह की से दुआ में तलाशो, अल्लाह से मांग करके तलाशो। कितनों खतरनाक मामिलात में, मसालों में उलझे हो, अल्लाह से मांगना शुरू कर दो, अल्लाह से दुआ शुरू कर दो, सारे मुश्किलात का हल अल्लाह के पास मौजूद है। हर मुश्किल से निकलने का हल अल्लाह दे देगा। अल्लाह के नबी रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे, अल्लाह तेरे मदद की जरूरत है, तेरे दीन की रिफात के लिए हम लोग आए हैं, अल्लाह तेरे दीन के लिए हम लोग यहां तक आए हैं, अल्लाह इस धरती से जुल्म को खत्म करने के लिए आए हैं, अल्लाह तेरे मदद के मोहताज हैं, तेरे नुसरत के मोहताज हैं, और ये जालिम इंसानियत पर जुल्म करने वाले मजीद जुल्म करने का प्लान लेकर आए, अल्लाह इन्हें नेस्तो नाबूद कर दे। अबू बकर देख रहे कि मेरे नबी रो रहे, रहा नहीं गया, दौड़ करके आए, पीछे से पकड़ करके चिमट गए, कहने लगे मेरे महबूब बस कीजिए, अल्लाह आपकी मदद जरूर करेगा, अल्लाह आपकी मदद जरूर करेगा। सुबह हुई, 17 रमजानुल मुबारक सन 2 हिजरी का सूरज निकला, अल्लाह के नबी सहाबा किराम को जो है तैयार कर रहे, नसीहतें कर रहे, सब बंदी कर रहे, नसीहत कहने लगा देखो पहले किसी पर हमला ना करना, अल्लाह अकबर, पहले किसी पर हमला न करना, यह इस्लामिक तालीम है। दुनिया के अंदर रहने बसने वाले इंसानों, मेरे नबी पर घिनौने इल्जाम लगाने वाले इंसानों, ये घटिया इल्जाम मेरे नबी की तरफ मंसूब करने वाले सुनो, मेरे नबी की तालीम यह है कि दुश्मन पर भी हमले में पहल न करना, वो मारेगा तुम रोक लेना, दिफा करना, अपने असलहों को हथियारों को बचा के रखना, हमला न करना, उस पर वार न करना, यह तालीम कौन दे रहा, नसीहत मेरे नबी कर रहे हैं। और आज ये जालिम मस्जिद के सामने पहुंचते हैं और बोलते हैं जय श्री राम, किसी मुसलमान को पकड़ते हैं, पकड़वा करके पकड़ के मारना शुरू कर देते हैं और बोलते बोल जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम के नाम पर ये जालिम जुल्म कर रहे हैं। इनके श्री राम भी अगर जिंदा होते और वो इनके जुल्म को, इनके जो है क्राइम और जराइम को देखते, वो भी शर्मिंदा हो जाते कि ये जालिम मेरे नाम पर जुल्म कर रहे हैं। यूपी के अंदर एक पंडित जो है ऐलान कर रहे माइक में, पुलिस साथ में है कि हम मुसलमानों की बहु बेटियों को पकड़ कर के रेप करेंगे, नऊज बिल्ला। उनके मानने वाले मुतकीदीन कह रहे हैं जय श्री राम, यानी ये जालिम जो है श्री राम के नाम पर रेप कर, अल्लाह के नबी कह रहे हैं पहले हमला न करना,
अपने हथियारों को बचा के रखना, संभाल के रखना, दिफा करना। नसीहत कर दिए, सफ लगा रहे, चलो भाई सब बंदी कर लो, अपनी अपनी जिम्मेदारियां ले लो। सवाद बिन गजिया रजी अल्लाह ताला सबसे थोड़ा आगे निकले हुए थे, अल्लाह के नबी ने थोड़ी छड़ी उनके पेट में चुभाई, कहा सवाद पीछे हो जाओ। हजरत सवाद ने कहा अल्लाह के नबी आपने मुझे दिली तकलीफ पहुंचा दी, आपने मुझको तकलीफ पहुंचाया है। अल्लाह के नबी ने कहा सवाद बदला ले लो। हजरत स्वाद ने कहा महबूबे किबरिया जिस वक्त आपने मेरे पेट में छड़ी चुबाई थी, मेरा पेट नंगा था, मेरे पेट पर कपड़ा नहीं था। महबूबे किबरिया की, महबूबे किबरिया के औसाफ देखो, उनका किरदार देखो, उनका तौर तरीका देखो, उनके अखलाक का हुस्नो जमाल देखो। कह रहे हैं वो, कह रहे हैं स्वाद ये लो, कपड़ा हटाता हूँ, बदला ले लो। अल्लाह के नबी ने जैसे कपड़ा हटाया, हजरत स्वाद अल्लाह के नबी से चिमट गए, चूमने लगे, बोसा देने लगे, कहने लगे अल्लाह के नबी बदला लेने की कोई ख्वाहिश नहीं थी, जंग करने के लिए आया हूं, मौत का कोई ठिकाना नहीं कि अल्लाह के रास्ते में कब मैं मर जाऊं, कब शहीद कर दिया जाऊं। मेरी दिली ख्वाहिश थी अल्लाह के नबी मौत से पहले महबूबे किबरिया के जिस्म से स्वाद का जिस्म टच हो जाए, मिल जाए। अल्लाह के नबी आपके जिस्म को छूना मकसूद था, बदला लेना मकसूद न था। क्या मोहब्बत और उल्फत थी सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को। अल्लाह के नबी बहुत खुश है, मगफिरत की दुआ की। इनफिरादी जंग का मरहला शुरू हुआ, मुसलमानों के तरफ से अली बिन अबी तालिब, हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब, उबैदा बिन अल हारिस रजी अल्लाह ताला नो निकले, और दुश्मन की तरफ से उतबा, शैबा, वलीद बिन उतबा निकले। कुश्ती शुरू हुई, जंग इनफिरादी जंग शुरू हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह जंग का पहला मरहला मुसलमानों ने जीत लिया। अब जब दुश्मनों ने अपनी हार देखी तो मुसलमानों पर हमला बोल दिया, मुसलमानों पर बैक वक्त हमले शुरू है। महबूबे किबरिया की तालीम है कि हमले में पहल न करना, हथियार न उठाना, सिर्फ दिफा करना। इधर मुसलमानों पर इज्तिमाई हमले हो रहे हैं, इधर महबूबे किबरिया पर ओंगतारी है, ओंगतारी है, वही नाजिल हो रही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको बशारत सुना रहा है, सयुज़मुल जमूअल्लूनद्दुबुर। मेरे महबूब कान खोल करके सुन लो, दुश्मनों का जत्था शिकस्त खा करके पीठ फेंक फेर कर भागने वाला है। वही का दौर खत्म हुआ। अल्लाह के नबी ने आंखें खोली, कहा मेरे साथियों अब दौड़ पड़ो, चढ़ दौड़ शुद्ध अलैहिम। अल्लाह के नबी ने कहा पकड़ लो, दबोच लो इनको। अल्लाह के नबी बड़े बहादुराना अंदाज में, सिपाहियाना अंदाज में खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहल किया, और खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बढ़ चढ़ करके मुकाबला किया। बड़ी घमसान की जंग हुई। अल्हम्दुलिल्लाह इज्तिमाई हमले में भी मुसलमानों की जीत हासिल हुई। पूरी तारीख, दुनिया की पूरी हिस्ट्री उठा करके देख लो, मुसलमान जब भी जंग जीता है जबरदस्ती ताकत हथियार इख्तदार इख्तियार जंगी महारत इसकी बुनियाद पर नहीं, ईमान यकीन और तवक्कुल की बुनियाद पर। क्योंकि मुसलमानों के पास अगरचे इख्तदार नहीं है, इख्तियार नहीं है, मुसलमानों के पास हथियार नहीं है, फौजी दस्ते नहीं है, अल्लाह अकबर बड़े खुशी का मकाम है मुसलमानों। ये पॉइंट अपने दिल की तख्तियों पर नोट करके ले जाना। आज हमारे पास हुकूमत नहीं है, हुकूमत हमारे खिलाफ है सही, लेकिन हमारे पास अल्लाह की मदद है। उनके पास सब कुछ है लेकिन अल्लाह की मदद नहीं है। पूरी तारीख उठा करके देख लो, मुसलमानों ने जब भी जंग जीता है तो ईमान और अकीदे और किरदार हसना की बुनियाद पर। क्योंकि इनके पास ईमान और यकीन की शक्ल में जो सरमाया है इस धरती पर, जिसका कोई बदल नहीं, जिसका कोई सानी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों ने तारीखी फतेह हासिल की।
ये वो दिन था जिसे कुरान ने यौमुल फुरकान कहा है। ये वो दिन था जिस दिन कुफ्र जो है नहायत भयानक अंदाज में जलील और रुस्वा हुआ। ये मक्का की बर्तरी को कुचलने का दिन था। ये वो दिन था जिस दिन अर्श वाले ने मुसलमानों को रूहानी और कल्बी सुरूर अता किया, क्योंकि 13 सालों से मुसलमान कटते पिटते गालियां खाते और जो है हर किस्म के मसाइब और मुश्किलात और अजियतों को सहते बर्दाश्त करते चले आ रहे थे। आज रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों को मकाम बद्र में फतेह अता करके दिली खुशी अता किया। हजरात, जंग खत्म हुई, नतीजा निकला, मुसलमानों ने अपने तकरीबन 14 बहादुरों को गंवाया, 14 मुसलमान शहीद हुए और कुफार में से 70 काफिर जो है मारे गए और 70 काफिर कैदी बनाए गए। इख्तिताम जंग पर अल्लाह के नबी ने मकतूली ने कुफार मुशरिकीन को कलीब बद्र में दफन कर दिया और दफन करके करने के बाद कहा, क्या कहा इस पॉइंट से भी नसीहत दुनिया वालों को, मैसेज दो कि मजहब इस्लाम ने दुश्मनों के लाशों के साथ भी मुसला नहीं किया बल्कि दुश्मन के लाश का भी एहतराम किया और करना सिखाया है। आज किसी मुसलमान, किसी मजलूम मुसलमान को पकड़ा जाता है, मजबूर और लाचार मुसलमान को ये जालिम, ये भेड़िए कुत्तों की तरह से घेरते हैं। अर्घ्य हिम्मत है तो एक एक करके उसे लिपट लो, कुत्तों की तरह से चारों तरफ से उसको घेर करके, और जो है जय श्री राम का नारा लगवाया जाता है, नारा नहीं लगवाते तो उसके जिंदा जिस्म के साथ मुसला करते हैं और हमारे मजहब ने मुर्दों के साथ भी मुसले से मना किया है। उसके हाथ को जिंदा है बेचारा, कब उसका हाथ काटा जाता है, उसका पांव काटा जाता है, उसकी जबान काटी जाती है, उसका पेट फाड़ा जाता है, उसका सीना फाड़ा जाता है, उसका दिल चाक किया जाता है। इस तरह से ये दुनिया, ये जालिम, ये जो है इंसानियत के साथ कर रहे हैं। कलीब बद्र में मकतूले ने मुशरिकीन को, मकतूले ने कुफार मक्का को जो है उसमें दफन किया। दफन करके अल्लाह के नबी ने कहा, अल वजद तुम आवादा रब्बुकुम हक्का, सरदारा ने कुरैश, मकतूली ने कुरैश, क्या तुमने अपने रब के वादे को सच्चा पाया कि नहीं पाया? मेरे रब ने मुझसे फतेह का वादा किया था, मुझे फतेह मिल चुकी है, जीत मिल चुकी, कामयाबी मिल चुकी है। तुमसे तेरे रब ने आखिरत में तबाही बर्बादी का वादा किया था, तबाही मिली कि नहीं मिली? हजरत उमर बिन खत्ताब खड़े करे, अल्लाह के नबी मुर्दा लाशों से आप मुखातब हैं जो सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते। अल्लाह के नबी ने कहा है, उमर, रब्बुल आलमीन इनको सुना रहा है और इस वक्त ये तुमसे ज्यादा बेहतर अंदाज में सुन रहे हैं, लेकिन जवाब नहीं दे सकते, जवाब नहीं दे सकते हो। अल्लाह सुनाने पर आ जाए, इस बॉडी के एक एक टुकड़े से भी आवाज निकलवा सकता, बुलवा सकता, वो बुलवाने पर कादिर है, उसके लिए कोई चीज मुश्किल नहीं। अल्लाह के नबी ने कहा, अल्लाह इन्हें सुना रहा है, तुमसे बेहतर सुना रहा है, तुमसे बेहतर ये सुन रहे। अल्लाह के नबी और मुसलमानों ने मदीना गज़वे बद्र की जीत की खुशियां लेकर मदीना आ रहे हैं। सारे मदीने में खुशी का माहौल है। मुसलमानों ने मदीना का काफिला नबी की क़ियादत में मदीना में दाखिल हो रहे, पूरे मदीने में खुशियों के तराने गाए जा रहे हैं। बड़ी खुशी का मातम और माहौल है, खुशी का माहौल है। मैंने मातम कह दिया। तो एक तरफ सारे मदीने में खुशी का माहौल है, तो यारो खुशी के साथ दुनिया में हजारों गम भी होते हैं। जहां बजती है शहनाई वहां मातम भी होते हैं। एक तरफ मुसलमानों ने मदीना गज़वे बद्र की खुशी की जीत लेकर के मदीना में दाखिल हो रहे हैं, तो दूसरे तरफ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लखते जिगर हजरत रुकैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हो को
उनके दामाद उस्मान बिन अफ्फान रजी अल्लाह तआला अन्हो जो है बाकी कब्रिस्तान में दफन करके वापस आ रहे, चूंकि जब आप गज़वे बद्र के लिए निकल रहे थे उस वक्त आपकी बेटी रुकैया बीमार थी, और जिस वक्त आप बद्र गज़वे बद्र को जीत करके वापस मदीने में दाखिल हो रहे हैं उस वक्त वो बकी कब्रिस्तान में उनकी बेटी को दफन करके कब्रिस्तान से वापस आ रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह के नबी अपने बेटी की वफात पर मौजूद नहीं है, अपने बेटी के तदफीन में मौजूद नहीं है, तकफीन में मौजूद है। अल्लाह अकबर, ये हमारे और आपके लिए इबरत का मकाम है कि अगर हम अपने जिंदगी को दीन के लिए वक्फ करते हैं, अगर दायाना रूल अदा करते, अगर हम जो है मबल्लिगाना रूल अदा करना चाहते हैं, तो हमारे साथ हमारे फैमिली को भी कुर्बानियां देने की जरूरत है, तब जाकर के दीन का काम हो पाएगा। क्योंकि देखो, घर में खुशी का माहौल हो, दीन का दाई घर में मौजूद ना रहे, घर में गम का माहौल हो, दीन का दाई घर में मौजूद ना रहे, अल्लाह अकबर, गोया कि अल्लाह इम्तिहान ले रहा है दाईयान इस्लाम से, मुबल्लिगान इस्लाम से, हर एतबार से कि मेरे बंदे ये दीन की नशर इशात करने वाले किन किन तरीकों से कुर्बानियां दे सकते हैं। आपको क्या दर्द होगा यारो कि आप हमेशा अपने फैमिली के साथ, अपने वालदैन के साथ, अज़्ज़ो करीब के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ रह रहे हो। उससे पूछो अपने अपनों की जुदाई का गम कितना बड़ा गम होता है कि अपने सब कुछ सबको छोड़ करके आपकी खिदमत में, आपके दयार में, आपके दरमियान में रह करके बड़ी ईमानदारी से दावत दीन का काम कर रहा है, अमानत व दयानत के साथ आपको दीन की बातें बता रहा है। बड़े खुश नसीब होंगे लोगों अगर ऐसे उलमा की कदर कर लिए तो, उसका कसूर अगर थोड़ी मोड़ी गलतियां हो जाए अल्लाह के वास्ते नजरअंदाज कर दो, माफ कर दो, तन्हाई में बुला करके समझा दो। याद रखना, अपनी आखिरत तबाह कर लेंगे अगर उसके शान में गुस्ताखी किए तो। घर में खुशी का माहौल हो, घर में गम का माहौल हो, ये दीन की नशर वशात करने वाला बेचारा उस वक्त मौजूद नहीं होता है। फोन से बता दिया जाता अम्मी का इंतकाल हो गया, कोई बात नहीं, थोड़ा दिल पर पत्थर रख लेता, क्योंकि पहुंच तो पाएगा नहीं, हजारों किलोमीटर दूरी पर है, हजारों किलोमीटर दूरी पर फोन आ जाता, अब्बू मर चुके हैं, वहां भी पहुंच नहीं पाता, क्यों, क्योंकि हजारों किलोमीटर दूरी पर सोचता अगर जाऊंगा भी तब तक तो मेरे अब्बू की लाश सड़ने लगेगी, वो यहीं से फोन पर बोल देता कि दफन कर दो, कभी आकर मिट्टी दे लेंगे। कितनी बड़ी कुर्बानी, कितनी बड़ी कुर्बानी, इबरत का मकाम है यारो। हर उलमा की कदर करना, उनका एहतराम करना, अगर एहतराम करना नहीं आता है उनसे दूर हो जाना, लेकिन उनके शान में गुस्ताखियाँ न करना। ये मैं नहीं बताना कि मतलब ये मेरे कहने का मकसद नहीं कि आप सिर्फ मेरा एहतराम करो शहादत हुसैन की, नहीं, हर आलिम का एहतराम करो, हर दीन के दाई का एहतराम करो, उनकी कदर करो, हर एतबार से उनकी हिम्मत अफजाई करो, हर एतबार से उनकी दिलजोई करो, दिल शिकनी ना करो। हजरात, गज़वे बद्र में अर्श वाले ने मुसलमानों की मदद मुख्तलिफ शक्लों में की, मुख्तलिफ पहलुओं से, मुख्तलिफ तरीक़ों से की। मदद की सबसे पहली शक्ल कि बद्र से पहले वाली रात अल्लाह तबारक व ताला ने आसमान से बारिश नाजिल किया, और बारिश नाजिल करके मुसलमानों को दिली सुकून अता किया, क्योंकि मुसलमान बदगुमानी में, मुसलमान बदजनी में मुबतला थे, गलत फहमी के शिकार थे, शैतान मुसलमानों को गलत फहमी में मुबतला कर रहा था कि चूँकि मुसलमान चश्मे से दूर थे, मुशरिकीन चश्मे से करीब थे, शैतान वसवसे डाल रहा था कि मुसलमानों तुम साहिब ईमान हो करके, अल्लाह वाले हो करके तुम्हारा दुश्मन पानी पिए और तुम पानी से महरूम रहो। मुसलमानों के दिल पर यह बात लग गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस रात आसमान से बारिश नाजिल किया जिसका नक्शा अल्लाह ने कुरान में खींचा है, इद युगशीकुम नुआस अमानतम मिन्हु वयुनज्जिलु अलैकुम मिनस समाई माअ लियुतहिरकुम बिही वयुज़हिब अनकुम रिज्ज़ शैतान वलियरबित अला कुलूबिकुम वयुसब्बित बिही अलअक़दाम। अल्लाह ने कहा कि उस वक़्त को याद करो जब अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है तुम्हें कल्बी सुकून राहत के लिए जो है नींद अता कर रहा था, ऊँघ अता कर रहा था, और आसमान से बारिश नाजिल कर रहा था ताकि तुमको पाको साफ कर दे, तुम्हारे दिलों में जो है शैतानी जो वसाविस हैं, शैतानी जो गलाजतें हैं उनका सफाया कर दे, तुम्हारे दिल को मजबूत कर दे, तुम्हारे कदम को जमा दे। मुसलमान सोच रहे थे कि अल्लाह हम कैसे नहाएंगे, हम पाकी कैसे हासिल करेंगे, वजू कैसे बनाएंगे, क्या पियेंगे, तरह तरह के ख्याल जहन में आ रहे थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बारिश नाजिल करके उनके दिल में उठने वाले वसवसों को खत्म कर दिया और उनको कल्बी सुकून अता किया। मदद की दूसरी शक्ल अल्लाह ने जंग से पहले उनको ऊंग अता किया, क्योंकि इंसान को जब नींद आती है, नींद के बाद जब उसकी नींद खुलती है तो बहुत फ्रेश महसूस करता है,
बड़ा सुकून महसूस करता। मुसलमान बेचैन थे कि 300 मुट्ठी पर जमात है और 1000 से मुकाबला करना क्या होगा, हमारे पास कोई भी इंतजाम नहीं, कोई सहूलत नहीं, कोई जरिया नहीं, कैसे लड़ेंगे। अल्लाह सुकून अता, रोज नींद अता करके मुसलमानों को अल्लाह ताला ने सुकून अता किया। और उनको इस तरह से नींद आ रही थी, उनकी ये ठोड़ियां उनके सीनों से जाकर के लग रही थी। बाद सहाबा किराम का बयान है कि गजवे बद्र के मौके पर अल्लाह ने हमें इस कदर नींद गालिब कर दिया हम पर कि हमारे हाथों से तलवार छूट छूट कर जमीन पर गिर रहे थे, हमें पता भी नहीं चल रहा था। मदद की तीसरी शक्ल अल्लाह तबारक व तआला ने उनके अंदर हिम्मत पैदा कर दिया, उन्हें निडर बना दिया, उन्हें बहादुर बना दिया। अल्लाह ने कहा वलियर भी ताला कुलूबिकुम वयसब्बित भी लकदाम, और उनको जमा दिया। मदद की चौथी शक्ल अल्लाह तबारक व तआला ने जो उनको अता की, चौथी शक्ल कि दुश्मनों की नजर में मुसलमानों को, दुश्मनों की नजर में मुसलमानों को अपने से डबल दिखा दिया, मुसलमानों की नजर में दुश्मनों को अपने से डबल कर दिखा दिया। यानी दुश्मन 1000 थे तो दुश्मनों ने अपने से डबल मुसलमानों को देखा तो कितना देखेंगे, 2000। मुसलमानों ने सोच देखे, अरे हमने तो 300 सुने थे, ये तो मुसलमान 2000 दिख रहे, भाई घबरा गए। मुसलमानों ने कितना सुने थे, 1000 सुने थे, अल्लाह ने मुसलमानों की नजर में दुश्मनों को डबल दिखा दिया, अपने से डबल। मुसलमानों ने सुने थे कि ये तो दुश्मन 1000 है, लेकिन उन्होंने अभी देख रहे हैं, मुशाहिदा कर रहे हैं कि तो हमने 1000 सुने थे तो 600 हैं। जब ज्यादा सुने थे, जब कम देख रहे, हिम्मत बढ़ गई, उन्होंने कम सुना था, ज्यादा देख रहे, हिम्मत उनकी टूट गई, पस्त हो गई। इस तरह से रब्बुल आलमीन ने उस मौके पर قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वो जो दो जमाते मकाम बद्र में जो आपस में एक दूसरे के मध्य मुकाबिल थी, उन दोनों जमातों में भी तुम्हारे लिए इबरत और नसीहत की चीजें हैं। अल्लाह ने अहले ईमान की मदद फरमाई और अहले कुफर को तबाह बर्बाद किया। ये उनके तवक्कुल का, वो ये उनके ईमानियात का, ये उनके अखलाक का नतीजा था कि गजवे बद्र को मुसलमानों ने जीत की शक्ल में हासिल किया। तो मदद की चौथी शक्ल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस तरह से किया कि मुसलमानों की नजर में काफिरों को अपने से डबल दिखा, मुसलमान काफिरों को 600 समझने लगे और जो है दुश्मन जो थे वो मुसलमानों को 2000 समझने लगे। इस तरह से मुसलमानों की हिम्मत बढ़ गई और काफिरों की हिम्मत को अल्लाह ताला ने पस्त करके मुसलमानों की मदद फरमाई। और मदद की चौथी शक्ल, पांचवी शक्ल, आसमान से अल्लाह तबारक व ताला ने गैबी मदद नाजिल फरमाई, फरिश्तों को नाजिल करके रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों की हिफाजत का जरिया बनाया। और याद रखना, रब्बुल आलमीन आज भी हमारे तहफ्फुज़ के लिए आसमान से फरिश्तों को उतार सकता है, गैबी मदद कर सकता है। यह मदद सिर्फ जो है नबी के सहाबा के साथ खास नहीं है, अल्लाह ने कसम नहीं खाई कि हम फरिश्तों को नाजिल नहीं करेंगे। आज भी हमारी हिफाजत के लिए, हिंदुस्तान के मुसलमानों के तहफ्फुज़ के लिए अल्लाह की कसम आसमान से फरिश्ते नाजिल होंगे, बशर्ते कि बद्री सहाबा जैसा ईमान, अखलाक, किरदार, तवक्कुल अपने अंदर पैदा कर लें। फिजाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को, फिजाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से, कितार अंदर कितार भी। आज भी रब्बुल आलमीन हमारी हिफाजत के लिए, हमारी मदद के लिए, ये दुश्मन जो हमारे खिलाफ प्रोपेगंडे कर रहे हैं, दुश्मन जो हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं, जुल्म की जो इंतहा कर रहे हैं, अल्लाह की कसम अगर हमारे अंदर खालिस ईमान पैदा हो जाए, अगर हमारा किरदार पाकीजा हो जाए, अल्लाह की कसम दिल्ली में बैठने वाले दुश्मनान इस्लाम हमारे अकूट के लोगों का चर्चा सुन करके अपने पैंट गीले और पीले कर लेंगे, बशर्ते कि हम सच्चे बन जाएं। वो 313 थे, अल्लाह ने कहा एक मुसलमान 10 काफिर के लिए काफी है। कितने के लिए? 10 के लिए। कुरान मजीद पर नंबर 10 सूरतुल अनफाल 10 के लिए काफी है। हम 20% है, कितने परसेंटेज पर भारी होंगे? 200। लेकिन ईमान खालिस, अखलाक हमीदा, किरदार हसना, बद्री साहबा जैसा यकीन, बद्री साहबा जैसा तवक्कुल,
ये खूबियां, ये औसाफ, ये सिफात हमीदा हमारे अंदर पैदा होनी चाहिए। इन्हीं सारे खूबियों के वो मुतहम्मिल थे, इन्हीं सारे औसाफ हमीदा से वो मुत्तसिफ थे, ये सारी खूबियां उनके अंदर कूट कूट करके भरी हुई थी, इसलिए रब्बुल आलमीन ने आसमान से उनकी मदद नाजिल फरमाई। तो मदद की पांचवी शक्ल जो थी फरिश्तों को नाजिल फरमाया, जिसका मुशाहिदा मुसलमानों ने किया और जिसका मुशाहिदा खुद काफिरों ने भी किया। एक साहबी कहते हैं कि मैं एक काफिर को मारने के लिए आगे बढ़ा, अचानक मैंने सुना उक्दमे हज़ूम, ये जिब्रील अमीन की आवाज थी जो बड़ी गरजदार थी, वो अपने सवारी को घोड़े को कह रहे थे हज़ूम आगे बढ़, हज़ूम आगे बढ़। साहबे रसूल कहते हैं मैं आगे बढ़ा और दुश्मन पर हमला ही करने वाला था कि अचानक जिसको मैं मारने जा रहा था, अभी तलवार उठाया था, चलाया न था कि अचानक उसका सर तन से जुदा हो गया। ये फरिश्ते थे जो मुसलमानों की मईयत में गज़वे बद्र में मुसलमानों की तहफ्फुज़ के लिए दुश्मनों से मुकाबला करते लड़ रहे थे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों को हुक्म दिया था और ताकीदी हुक्म दिया था कि वज़रिबु फौक़ल अनाक, वज़रिबु फौक़ल अनाक, वज़रिबु मिन्हुम कुल्ल बनान, कि उनकी गर्दनें मार दो, उनके एक एक गुलियों की पोरों को मार दो। किसको? जो इंसानियत के दुश्मन है, ये समझते सारे काफिरों को मारने के लिए, अरे मुझसे पैगाम लेकर के जाओ, मेरा मजहब ये कहता है मुसलमानों कुफार से लड़ाई ना करो, जो अच्छे हैं, जो मुनसिफ हैं, जो इंसानियत के साथ अच्छा सुलूक पेश करते हैं उनके साथ अच्छा सुलूक करो। ला यनहाकुम अल्लाहु अल्लज़ीन लम युकातिलूकुम फिद्दीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके साथ उसने सुलूक करने से तुमको मना नहीं करता। किनके साथ? जो तुम्हारे साथ तारुज नहीं करते, छेड़खानी नहीं करते, और तुमको तुम्हारे घरों से निकालते नहीं, तुमसे लड़ते नहीं, तुम्हारी गाली को तुमको गाली गलौज नहीं करते, उनके साथ अच्छा सुलूक करो। यही सच, यही हक है, यही इंसाफ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें मना नहीं करता। जंग उनसे लड़नी है जो इंसानियत के दुश्मन है, जो धर्म के ठेकेदार, धर्म के नाम पर जो है इंसानियत को मार रहे हैं, इंसानियत का खून कर रहे हैं। जंग उनसे, लड़ाई उनसे है, इख्तलाफ उनसे है, तारुज उनसे है, हिंदुओं से नहीं, गैर मुस्लिमों से नहीं। यही चीज वो समझ नहीं पा रहे। वसीम रिजवी मलऊन ने अल्लाह पर, अल्लाह की उस पर लानत की बरखा बरसती रहे, हमेशा अल्लाह की लानत की गठरी उसके सर पर रहे। उसने कुरान की जिन आयात का मजाक बनाया, उसने आयत कुरानिया को समझा नहीं, पैगामात इलाहिया को उसने जो है जो समझा नहीं, जाना ही नहीं कि आयात के मफहूम क्या है। क्योंकि अल कलिमा जो हक यरीद बिहल बातिल, उसने दलील तो सच दिया लेकिन मफहूम इस्तदलाल गलत किया। है उन आयात में जंग करने का हुक्म, लेकिन किन से, किन से? जो राह चलन तो किसी भी मजबूर इंसान को पकड़ करके जबरदस्ती नारा लगवाते हैं, जबरदस्ती उसका मुसला करते, उसको पीटते, ऐसे लोगों से। अल्हम्दुलिल्लाह कितने हिंदू हमारे भाई हैं जो हमारे ताल्लुकात में हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह सलाम व कलाम उनसे बराबर होता है, हालचाल खैर खैरियत बराबर होती है, कोई इख्तलाफ नहीं। हम उनसे दिल की बातें कहते, वो हमसे दिल की बातें कहते, यार हिंदुस्तान में किस कदर जो है जेर, यहाँ की फिजा में किस कदर जेर घोला जा रहा, अब क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो कि हम दोनों में इख्तलाफ। अरे नहीं है, नहीं दोस्त, ऐसा कभी नहीं होगा, बोलते ऐसा कभी इख्तलाफ नहीं होने देंगे, इंशाल्लाह ताला हम मिल के रहेंगे, आपके साथ गलत होगा तो हम आपकी दिफा करेंगे, हमारे साथ गलत होगा तो आप हमारे साथ हमारी दिफा करेंगे। इस तरह से बातें होती हैं। गंगा जमनी तहजीब आज भी कुछ लोगों के अंदर मौजूद है, और इसी सरजमीन पर जहाँ इंसानियत का गला घोटा जा रहा है, यहाँ ऐसे शख्सियतें मौजूद हैं। अबुल बुख्तरी जैसी सिफात रखने वाली शख्सियतें, अदी बिन हातिम जैसी जो है जैसे सिफात रखने वाली शख्सियतें, अबू तालिब जैसी सिफात रखने वाली शख्सियतें सरजमीन हिंद में आज भी मौजूद हैं, जो इंसानियत का दिफा कर रहे हैं, मुसलमानों का दिफा कर रहे हैं। वही कश्मीर जहां जो है, जहां की फाइल बनाई गई, वीडियो बनाया गया है, एक मूवी बनाई गई, द कश्मीर फाइल, समझ रहे कि कश्मीरी पंडितों पर जुल्म हुआ, उसी सरजमीन उसी शहर के रहने वाले पंडितों का बयान यह है कि मुसलमान आतंकवाद नहीं है, जिस वक्त हमें मारा जा रहा था यही मुसलमान है जिन्होंने अपने घरों में हमें खिलाया है, पिलाया है, सुलाया है, हमारे बहन बेटियों की क्या नाम है, इन्होंने इज्जत की इज्जत की हिफाजत की है, ये मुसलमान हमारे मसीहा है, उसी शहर के रहने वाले पंडितों का यह भी बयान है।
तो आज भी मुसलमानों इसी सरजमीन पर अबुल बुख्तरी मौजूद हैं और इसी तरीके से जो अबू तालिब जैसी शख्सियतें मौजूद हैं और मुतीम बिन आदि जैसी शख्सियतें मौजूद हैं, हमें तलाशने की जरूरत है। ऐसे लोगों की को तलाशा जाए, उनकी हिम्मत अफजाई की जाए, उनके साथ मिल करके हिंदुस्तान के सालमियत की तहफ्फुज़ की बातें की जाए, हिंदुस्तान के हालात को पुरअमन बनाने के लिए मशवरे किए जाएं। आज भी ऐसे इस धरती पर है, हमारे गांव में, हमारे शहर में भी ऐसे हैं। ऐसा नहीं कि हमारे शहर में ऐसे लोग नहीं, आज भी है, हमारी हिफाजत के लिए तैयार है। तो मदद की जो है पांचवी शक्ल क्या नाम है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमान से फरिश्तों को नाजिल किया, फरिश्तों ने मुसलमानों की हिफाजत की। और हजरात, जैसा कि मैंने कहा कि हां मैं मानता हूं अल्लाह के नबी ने गजवात किए हैं, जिहाद किए हैं, जंगें की हैं, लेकिन जंगों में आपने जिन आला अखलाक का मुजाहिरा किया है पूरे तारीख इंसानी से चैलेंज है कि दुनिया के किसी भी जंग में आप ऐसे आला अखलाक का सबूत नहीं दे सकते हैं। आज दुनिया अमन शांति के नाम पर जब मैदान जंग में उतरती है तो खूनों से होलियां खेलती है, खूनों की होलियां खेलती है अमन शांति के नाम पर, इंसानियत का गला घूटती अमन शांति के नाम पर, लेकिन कुर्बान जाओ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंगों पर। जंगों में नबी ने जिस इंसानियत नवाजी का सबूत दिया है, जंगों के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस आला अखलाक और किरदार को पेश किया है, अल्लाह की कसम पूरी तारीख ऐसा सबूत नहीं दे सकती है। अल्लाह के नबी ने जंगों के अंदर भी, तलवारों के जेरे साया भी, इंसानियत पर, दुश्मन पर रहम करने की तालीम दी है। गज़वे बद्र ही का वाकया है, अल्लाह के नबी अपने रफ़का को नसीहत कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कह रहे देखो अबुल बुख्तरी बिन हिशाम अगर तुम्हारे जद में आ जाए, तुम्हारे तलवार के जद में आ जाए, उसे न मारना। अबुल बुख्तरी बिन हिशाम पर हमला न करना। क्यों? ये वो इंसान है, हम मुसलमानों पर इसका बहुत बड़ा एहसान है, ये उस वक्त एहसान किया था जब मक्के में हम मुसलमानों का समाजी बायकॉट किया गया था, हम मुसलमानों पर जब जुल्म हो रहे थे तो अबुल बुख्तरी उन्हीं चंद लोगों में से है जिन्होंने उस समाजी बायकॉट का इनकार किया था। समाजी बायकॉट के जो है पेपर को, पर्चे को जो मक्के की दीवार पर चिपकाया गया था, इन्होंने चाक किया था, ये उन लोगों में से। काम मक्के के सारे लोग पुरान और आजादाना जिंदगी गुजारे और खानदाने बनू हाशिम इस तरह मजलूमियत के शिकार, उनसे रिश्ता न किया जाए, उनसे बात न किया जाए, उनसे खाना पान खान पान सब बंद कर दिया जाए, मैं बर्दाश्त नहीं है, हम इस समाजी बायकॉट का इनकार करते हैं। और जाकर के मक्के की दीवार पर जो लिखित की सूरत में जो पेपर चिपकाया गया था उसको जाकर के उन्होंने फाड़ दिया, हम नहीं मानते इसको। अल्लाह के नबी ने कहा अबुल बुख्तरी बिन हिशाम उन्हीं लोगों में से। सहाबा किराम बयान करते हैं कि गज़वे बद्र में अबुल बुख्तरी बिन हिशाम कई मर्तबा हमारे तलवार के जद में आए, लेकिन जब भी हमारे तलवार के जद में आते थे फौरन नबी की तालीम हमें याद आ जाती थी, अबुल बुख्तरी को हम रिहा कर देते थे। और इसी मौके पर जब बद्र के जो है कैदियों के कजिए की बात आई, इस मौके पर अल्लाह के नबी ने मुतइम बिन आदि को भी याद किया। अल्लाह के नबी ने कहा लौकान अल मुतइम बिन आदि हयन थुम्मा कल्लमनी फी हाउला इन्नतना लतरक्तुहुम लहू। अल्लाह के नबी ने कहा अल्लाह की कसम, कसम है रब किब्रिया की, अगर मुतइम बिन अभी जिंदा होता और मेरे पास आता, इन 70 कैदियों के बारे में सिर्फ एक इशारा कर देता, अल्लाह का नबी रिहा कर दो, अल्लाह के नबी उसके एक इशारे पर इन 70 कैदियों को मैं रिहा कर देता, क्योंकि उसके भी एहसान हैं, उसने भी समाजी बायकॉट का जो है इनकार किया था। और उस वक्त जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम के दुखूल मक्के के अंदर मना था, आप ताइफ से दावत तबलीग के मिशन से वापस आ रहे थे, मक्के के अंदर आपके दाखिले को बंद कर दिया गया कि मोहम्मद को मक्के में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। यही मुतइम बिन आदि थे अपने पहलवान बेटों को लेकर के सामने आए, अल्लाह के नबी के पास आए, कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहा मैं तुमको पनाह देता हूँ, अपने बेटों को, चंद छोकरों को मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ में रख कर दिया ताकि कोई दुश्मन इस पर हमला ना करने पाए, और मक्का की गलियों में खाने काबा में जाकर के ऐलान कर दिया, मक्का वाले सुन लो, मुतइम बिन आदि ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को पना दी है।
अल्लाह के नबी ने कहा मुतीम बिन आदि का भी एहसान हम मुसलमानों पर है, और इस्लाम कहता है एहसान का बदला एहसान। एहसान करने वाला कोई भी हो, चाहे कोई यहूदी हो, नसरानी हो, मुशरिक हो, काफिर हो, हिंदुस्तान का हो या बैरूनी ममालिक का हो, कहीं का रहने वाला भी हो, किसी भी जात पात का और धर्म का मानने वाला हो, किसी भी समाज और मसलक और मकतबे फिक्र का हो, अगर उसके एहसान आप पर है तो इस्लाम आपको तालीम देता है, आपको यह मैसेज पैगाम देता है। सीरत मुस्तफा का तकाजा यह है कि आप उस मुहसिन के एहसान का बदला दुनिया में चुकाने की कोशिश करो। और हजरात, जिन अखलाकी तालीमात पर आपने जंगों को इस्तेवार किया था, गजवे बदरी के हवाले से मैं बोल रहा हूं, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, उन्हीं में से एक वाकया, आपका वादे वफा, आपके आला अखलाक की एक झलक, एक मिसाल जंगों के अंदर गजवे बद्र के मौके पर हुज़ैफा बिन यमान रजी अल्लाह तआला अन्हो और उनके वालिद यमान दोनों जो है गजवे बद्र से में पीछे रहे, जंग में शिरकत के लिए निकले लेकिन रास्ते का इंतखाब गलत कर लिया। ये उस रास्ते से अपने इस्लामी लश्कर से मिलने जा रहे थे जिस रास्ते पर दुश्मनों का लश्कर था, अचानक ही दुश्मनों के हाथ लग गए, बाप और बेटे दोनों हुज़ैफा बिन यमान और उनके वालिद मोहतरम यमान रजी अल्लाह तआला अन्हुमा दोनों लगे। अबू जहल के खिदमत में हाजिर किया गया, हजरत हुज़ैफा कहते हैं जान बचानी थी मैंने झूठ बोल दिया। अबू जहल ने कहा कहां जा रहे हो? हजरत हुज़ैफा ने कहा देखो भाई मैं तिजारत के लिए गया हुआ था और वापस मैं मदीना जा रहा हूं। कहा सच कह रहे हो? हजरत हुज़ैफा ने कहा सच कह रहा हूं। कहा देखो झूठ मत बोलना सच बोलना। कहा बिल्कुल मैं सच बोल रहा हूं। आप जानते जान बचाने के लिए ऐसे मौकों पर झूठ बोला जा सकता। कहा कि ऐसा तो नहीं कि अपने लश्कर से मिलने जा रहे हो? कहा कौन सी लश्कर, कैसे लश्कर, कहां के लश्कर, मैं कुछ नहीं जानता। इस तरह से बहकी बातें हुज़ैफा बिन यमान ने जब कही तो अबू जहल को यकीन हो गया कि शायद इनको कुछ भी पता नहीं, यकीनन ये कहीं बाहर से आ रहे हैं। कहा ठीक है अगर तुमको आजाद कर दिया जाए तो तुम डायरेक्ट मदीना जाओगे, अपने लश्कर के पास नहीं जाओगे, ठीक है ना, वादा करते हो? हजरत हुज़ैफा ने कहा हम वादा करते कि हम अपने लश्कर के पास नहीं जाएंगे, सीधा मदीना जाएंगे। वहां से निकले डायरेक्ट बजाय मदीना के इस्लामी लश्कर में आकर के मिल गए। इनके साथ जो भी मामला पेश आया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र किया, अल्लाह के नबी ऐसे ऐसे हादसात से होकर के आ रहे। अल्लाह के नबी ने कहा तुमने मदीना जाने का वादा कर लिया? हजरत हुज़ैफा ने कहा अल्लाह के नबी हम वादा कर चुके। अल्लाह के नबी ने कहा हुज़ैफा सीधा मदीना जाओ, वादों को न तोड़ना, अल्लाह हमारी हिफाजत और मदद के लिए काफी है। अल्लाह अकबर। आप सोचो तो सही कि ऐसे नाजुक और खतरनाक मौके पर दो बहादुरों की ताकत कितनी बड़ी ताकत मानी जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी वादों की वफादारी का यह आलम है। जंगों के अंदर आपके वफादारी का यह आलम, वादों की वफा का यह मामला मरहला है कि आप कह रहे आप मदीना वापस जाओ, अल्लाह हमारी हिफाजत और मदद करेगा, वादा न तोड़ना। अल्लाह अकबर। क्योंकि मुसलमान ताकत के बलबूते, ताकत की बुनियाद पर जंग नहीं जीतता, जंग ईमान और यकीन की बुनियाद पर जीतता है, अखलाके हमीदा की बुनियाद पर जंग जीतता है। और हजरात, जंगों में से आपके अखलाक, आला अखलाक में से एक अखलाक यह भी है कि आप जब भी किसी जंग को रवाना, किसी फौज को रवाना करते थे तो आप सबसे पहले तालीम करते थे ला तकदुरु वला तगलु वला तक्तुल वलीदा। देखो ख्यानत न करना, चोरी न करना, माले गनीमत में से कुछ न चुराना, और देखो किसी पर जुल्म न करना, औरतों पर, बच्चों पर, धार्मिक जो धर्म गुरु हैं उन पर, गिरजाघरें जो उन पर, ये जो फसलें हैं इन पर, जो दरख्त हैं इन पर, लोगों के जो घर हैं इन पर हमला न करना। नसीहत करते थे वला तक्तुल वलीदा, बच्चों पर हमला न करना, बच्चों पर हमला न करना। सब रसूल बयान करते कि एक जंग में एक औरत अचानक गलती से जो है मार दी गई। अल्लाह के नबी को जब पता चला कि एक मुसलमानों के हाथों से एक औरत मारी गई है, अल्लाह के नबी का चेहरा गुस्से से बिल्कुल सुर्ख हो गया। अल्लाह के नबी ने कहा यह जुर्म किसने किया है, इतनी बड़ी गलती किसने की है? गुस्से से अल्लाह के नबी तिलमिलता उठे, कांपने लगे। आपके अखलाक जो आपने आला अखलाक जंगों में पेश किया उनमें से कितना बड़ा अखलाक यह है।
ये दुश्मन औरत है उसको भी मारते, बच्चे उसको भी मारते, मर्द बुढ़े कोई किसी भी मकाम किसी भी लेवल का इंसान है वो बोलता है तो भी मारा जाता, नहीं बोलता तो भी मारा जाता, सेहतमंद है तो भी मारा जाता और बीमार है तो भी मार देते। मजहब इस्लाम ने अल्लाह के नबी ने कहा ऐसा न करना, ऐसा न करना। और हजरात वैसे भी हिंदुस्तान के तनाजुर में एक बात मैं आपको नसीहत करना चाहता हूँ कि जंग जो होते हैं, जिहाद जो होते हैं, हाकिम वक्त के इक्तदा में होते। देखो मक्की जिंदगी में मुसलमानों को जिहाद की परमिशन नहीं दी गई क्योंकि मुसलमानों के पास मक्के में इख्तियार न था, इक्तदार न था, वसाइल न थे और वहाँ आपकी कोई यूनिटी नहीं थी, कोई आपकी कोई तंजीम नहीं थी। ये तमाम वसाइल आपको मदीने में मिले। जब मसील मदीने के अंदर आपको ये इक्तदार, इख्तियार, वसाइल, ये सारी चीज़ें फराहम हुई तब अल्लाह ताला ने कहा कि अब यहाँ आप ज़्यादा जो है जंग कर सकते हो। चूंकि अल्लाह के नबी की हदीस है कि अल इमाम जुन्ना युकातिलु मिन वराई वयुत्का बिही, इमाम ढाल होता अपनी कौम का, अपनी रियाया का और उसकी मईयत में ही लड़ा जाने वाला जंग जिहाद होता है। जिहाद का मकसद शरीयत कहती है जिहाद के सिलसिले में कि जिहाद दावत और तबलीग के लिए होता है, इस्लाम की नशरोशात के लिए होता है। जिहाद का मकसद दावत और तबलीग के रास्ते में आने वाली, हायल होने वाली रुकावटों को खत्म करने के लिए होता है। शेखुल इस्लाम अल्लामा इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह का कौल भी है कि जिहाद का मकसद दावत और तबलीग के रास्ते में बनने वाली दीवारों को तोड़ने के लिए होता है और जहां दावत और तबलीग के लिए आजादी वहां जिहाद की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले इख्तदार, इख्तियार, हुकूमत, ये सारी चीजें जरूरी है। कितने लोग अब जज्बात में जो है ये कहते हैं कि अब हमें निकलने की जरूरत ना, उज़ बिल्ला, अरे अल्लाह की तरफ भागो मुसलमानों, दुश्मनों की तरफ भागने से बेहतर अल्लाह की तरफ भागो। हालात बनेंगे तो देखा जाएगा। अल्लाह के नबी की वो तालीमात हम फिर से दोहराएंगे जो अल्लाह के नबी ने गज़वे बद्र के मकाम पर मुसलमानों से कहा था कि पहले हमला ना करना, हमले में पहल ना करना, बाद में जब हालात बनेंगे तो देखे जाएंगे। लेकिन बुजदली बुजदलाना सबूत भी हमें देने की जरूरत नहीं है, बड़ी होशियारी बड़ी दानिशमंदी के साथ हमें जीने और मरने की जरूरत है। कुरान कहता है या अय्युल्लज़ीना आमनू सबिरु वसाबिरु, सब्र के साथ साथ जमे रहो, वराबित और तैयार भी रहो, तैयार भी रहो दुश्मन के मुकाबले में, जो कि दुश्मन कभी भी हमलावर हो सकता है। और याद रखना जुल्म सहना भी जुल्म है, जुल्म के खिलाफ खामोश रहना भी जुल्म है। बोलने की ताकत है तो बोलो जिहाद है, और अगर लिखने की ताकत है जुल्म के खिलाफ तो जुल्म के खिलाफ लिखो, आवाज उठाओ, जिहाद है। जुल्म के खिलाफ मशवरा दे सकते हो तो मशवरा दो, जिहाद है। जुल्म सहना जुल्म है। तो हाकिम वक्त की मईयत में लड़ा जाने वाला जिहाद जिहाद होता है। हालात जब ऐसे बिक चुके, कुरान हमें तालीम देता है कि तैयार रहो, हमले में पहल ना करो। हालात जब बिगड़ जाएंगे, पानी सर से ऊपर हो जाएगा, तब इस्लाम आपको इजाजत दे देगा, आप मुख्तार हो जाएंगे इन तमाम मामलात के लिए, अपनी दिफा के लिए। अभी अल्लाह से दुआ करो अल्लाह रब्बुल आलमीन हालात को बेहतर से बेहतर बना दे। मुल्क अजीज के हालात जो बिगड़े हुए हैं, अल्लाह इस मुल्क के बिगड़े हुए हालात को तू सुधार दे। अल्लाह तेरे कंट्रोल में हर बंदे का दिल है, अल्लाह सारे बंदों के दिलों को जो हक की तरफ मोड़ दे। अल्लाह इन जालिमों के दिलों में नरमी पैदा फरमा दे जो इंसानियत पर जुल्म ढा रहे हैं, इंसानियत का खून कर रहे हैं, इंसानियत का गला घोट रहे हैं। अल्लाह इनके दिलों में थोड़ी सी नरमी डाल दे। हम दुआ करें, हालात जब बिगड़ेंगे तो इस्लाम तो कहता है वाइदुल मस्तता तुम कुआ, जितनी ताकत है अपनी ताकत के बकदर तैयार रहो, कभी भी हमला हो सकता है, जब हमला होगा तो दिफा भी करेंगे और अपने दीन और माल जानो माल के तहफ्फुज के लिए लड़ेंगे भी इंशाल्लाह। और अल्लाह से दुआ करते हैं कि बारे इलाह हम तमाम मुसलमानों को गज़वे बद्र से मिलने वाले तमाम इबरतों को और नसीहतों को अपने ज़िंदगी में जगह देने की तौफीक अनायत फरमाए। अल्लाह ये सब्र का महीना, ये दुआओं का महीना, ये इबादतों का महीना, ये अज़कार का महीना, ये रियाजात का महीना, अल्लाह ये मुजाहिदात का महीना, बारे इलाह हम तमाम मुसलमानों को इन तमाम फितनों से बच बचा करके इन तमाम इबादात में मसरूफ़ रहने की, अपने अक्सर व बेशतर औकात को इबादात में सर्फ करने की तौफीक अनायत फरमाए। इलाही जिस तरह से बड़े बड़े ही हुस्न खूबी के साथ
बाद ये इस मुबारक महीने के गालिबन आज 17वां रोजे हो रहे हैं, यानी 17 रोजे मुकम्मल होने वाले हैं। अल्लाह इसी तरीके से इसके बकिया अय्याम को भी बहुत खूबी तकमील की तौफीक अनायत फरमा। बारे इलाहा इन गुश्त अय्याम में मुबारक महीने के जो भी इबादतें हैं, जो भी रियाजतें हैं, मुजाहिदात है, अस्कार है, तिलावत कलामुल्लाह है, दुआएं हैं, तौबा इस्तिगफार हैं, अल्लाह हर किस्म के इबादत और रियाजात को तुशर्फ कबूलियत अता फरमा। बारे इलाहा इस मुबारक महीने के जो बकिया अय्याम है, हर किस्म के इबादत के साथ एहतमाम के साथ तकमील की तौफीक अनायत फरमा। और जब तक हम सबको इस दुनिया के अंदर जिंदा रख, खालिस किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक जिंदा रख। बारे इलाही इसी के साथ हम दुआ करते हैं कि जो फितना हमारे नजरों के सामने हैं और जो फितने हमारे नजरों से ओझल हैं, अल्लाह ज़ाहिरी और बातनी तमाम फितनों से हम तमाम मुसलमानों की ही नहीं बल्कि पूरी इंसानियत की हिफाजत फरमा, बिलखसूस हमारे मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत फरमा, यहाँ के हुक्मरानों को जो है हिदायत अता फरमा, यहाँ के हुक्मरानों को इंसाफ के जो है तमीज़ अता फरमा, इंसान की इंसाफ की तौफीक अता फरमा। अल्लाह यहाँ के हुक्मरानों को जो मुनसिफ जिस तरह मुनसिफ है, अल्लाह मुनसिफ के अहदे पर रहते हुए इन्हें इंसाफ करने की तौफीक अनायत फरमा। और जब हम सब का खात्मा मान बिल खैर हो, आमीन। तकब्बल या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।